नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। उत्तराखंड में आज ऐसा रहेगा मौसम का मिजाज। उत्तराखंड में मौसम करवट बदल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आज उत्तराखंड के जनपदों में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है, जिससे लोगों को आज राहत मिल सकती है। प्रदेश में अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। उत्तराखंड में आज ये हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 95 रुपए 2 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 88 रुपए 14 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93 रुपए 30 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 86 रुपए 61 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93 रुपए 45 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 86 रुपए 80 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93 रुपए 27 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 86 रुपए 60 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। भारत चीन के बीच वार्ता। लद्दाख को लेकर चीन और भारत एक बार फिर से वार्ता करने जा रहे हैं। आज दोनों देशों के बीच 15वें चरण की सैन्य वार्ता होगी। इसमें लद्दाख और LAC को लेकर बचे विवादों पर चर्चा हो सकती है। बजट सत्र का दूसरा चरण। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू होकर 8 अप्रैल तक चलेगा। दूसरे चरण में संसद का कामकाज सामान्य ढंग से होगा। दोनों सदनों की बैठक सुबह 11 बजे से शुरू होगी। पंचायत महासम्मेलन को संबोधित करेंगे PM। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के एक दिन बाद आज से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री गुजरात पंचायत महासम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं, जिसमें राज्य के 1 लाख से अधिक पंचायती राज प्रतिनिधि शामिल होंगे। PM मोदी का चला जादू। उत्तराखंड के रण में फिर चला मोदी मैजिक। फीका रहा राहुल प्रियंका का जादू। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में BJP ने कांग्रेस के मुकाबले 3 गुना ज्यादा रैलियां की थी, जिसका फायदा BJP को मिला भी। यही कारण है कि 48 सीटों के साथ BJP देवभूमि में सरकार बनाने में कामयाब हो गई। आंकड़ों पर नजर डाले तो PM मोदी ने जहां भौतिक रैलियां की, वहां BJP को अच्छा फायदा हुआ। हालांकि राहुल और प्रियंका की रैली से कांग्रेस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। केदारनाथ सीट पर फिर हुआ BJP का कब्जा। कांग्रेस ने छीनी बद्रीनाथ सीट। गढ़वाल मंडल में से 4 धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, ऋषिकेश और हरिद्वार विधानसभा सीटें प्रमुख है। ऐसे में इन चुनाव में BJP ने केदारनाथ सीट पर कब्जा कर लिया। 2017 के चुनाव में BJP को केदारनाथ विधानसभा सीट से बड़ा झटका लगा था। वहीं गंगोत्री, ऋषिकेश और हरिद्वार विधानसभा सीटों पर BJP ने जीत हासिल की है, जबकि इस बार BJP को बद्रीनाथ विधानसभा सीट गंवानी पड़ी है। चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस भवन में पसरा सन्नाटा। जल्द होगी हार के कारणों की समीक्षा। उत्तराखंड में हार के बाद कांग्रेस भवन में सन्नाटा पसर गया है। कांग्रेस नेता अब हार की समीक्षा करने की बात कर रहे हैं, जिसके लिए जल्द ही प्रदेश और हाईकमान के वरिष्ठ नेता बैठक करेंगे। लैंसडाउन में हरक की साख को लगा बड़ा झटका। चुनाव हारी बहु अनुक्रांति गुसाई। दलीप रावत ने लगाई जीत की हैट्रिक। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में एक और बड़ी हार की खबर सामने आई है। लैंसडाउन सीट से हरक सिंह रावत की बहु अनुकृति गुसाई चुनाव हार गई है। BJP के महंत दिलीप ने उन्हें 9,868 मतों से हराया। अनुकृति गुसाई की हार को हरक सिंह की प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जा रहा है। अनुकृति गुसाई को लैंसडाउन से चुनाव लड़ाने को लेकर हरक सिंह रावत ने BJP को तेवर दिखाए थे, जिसके बाद चुनाव से ठीक पहले हरक सिंह रावत ने अनुकृति गुसाई के साथ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वालों को जनता ने नकारा। BJP को मिला श्रीराम का आशीर्वाद। बंशीधर भगत। BJP प्रत्याशी और कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने कालाडूंगी विधानसभा सीट से जीत हासिल की है। बंशीधर भगत ने अपनी जीत का श्रेय जनता को दिया है। उन्होंने कहा प्रभु श्रीराम के आशीर्वाद से उनको राजयोग मिला है। वहीं हरदा की हार पर उन्होंने कहा कि हरीश रावत मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना रहे थे, ऐसे में जनता ने उनको नकार दिया है। पिता की हार का बदला लेकर कोटद्वार पहुंची रितु खंडूड़ी का भव्य स्वागत। पढ़िए किसे किया पहला फोन। कोटद्वार विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी रितु खंडूड़ी की जीत की घोषणा के बाद से कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया। जब रितु खंडूड़ी पौड़ी से अपनी जीत का प्रमाण पत्र लेकर कोटद्वार पहुंची तो जनता और कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। इस दौरान रितु खंडूड़ी ने सभी का आभार जताया। वही चौबट्टा खाल सीट से सतपाल महाराज ने भी जीत दर्ज की है। ऋषिकेश। चोरों में 3 दुकानों में लगाई सेंध। CCTV में कैद हुई करतूत। चंद्रभागा पुल से ISBT की ओर जाने वाली सड़क किनारे स्थित 3 दुकानों में चोरी का मामला सामने आया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित दुकानदारों से जानकारी हासिल की। फिलहाल पीड़ितों की ओर से तहरीर नहीं दी गई है। तहरीर मिलने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने की बात कही है। हालांकि पुलिस ने चोरों की धरपकड़ के प्रयास शुरू कर दिए हैं। मिथक बरकरार। गंगोत्री की बादशाहत बरकरार। जिसकी सीट उसकी सरकार का मिथक नहीं टूटा। गंगोत्री विधानसभा सीट प्रदेश की राजनीति में अहम भूमिका निभाती है। उत्तराखंड की गंगोत्री सीट को लेकर कहा जाता है कि जो भी दल यहां से चुनाव जीत जाता है उसका सत्ता में आना तय रहता है। वहीं इस बार गंगोत्री विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के सुरेश सिंह चौहान ने बड़ी जीत हासिल की है, जिससे गंगोत्री सीट का मिथक बरकरार रहा। मैं CM रहूं या नहीं, नई सरकार में जल्द लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में BJP ने बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है।
ऐसे में चुनाव नतीजों को देखते हुए बीजेपी प्रदेश प्रभारी प्रहलाद जोशी मीडिया से मुखातिब हुए। जोशी ने कहा कि चुनाव से पहले बीजेपी ने जो भी वादे किए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। वहीं इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश में सरकार बनते ही सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। वह सन्यासी जिन्होंने अंधविश्वास का मिथक तोड़ा, लिखा राजनीति का नया इतिहास। यूपी में 35 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री को दोबारा सत्ता मिली है। यह भी पहली बार हुआ है जब नोएडा जाने वाले किसी मुख्यमंत्री की कुर्सी बच गई हो। ऐसा पहली बार ही हुआ है जब प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी कोई फैक्टर नहीं बना और दोबारा से सत्ताधारी दल को प्रचंड बहुमत मिला। यह सब संभव हुआ एक सन्यासी योगी आदित्यनाथ की बदौलत। एक ऐसे सन्यासी जो मठ से निकलकर राजनीति के मंदिर में शक्तिपीठ की तरह स्थापित हो गए। फिर से योगी बनेंगे सीएम। योगी के आलोचक मानते हैं कि देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने अपनी फायर ब्रांड नेत छवि को थोड़ा संतुलित भले ही किया, लेकिन उसमें ज्यादा बदलाव आया हो ऐसा नहीं है। विधानसभा चुनाव के नतीजे भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदों के मुताबिक रहे और ऐसे में योगी आदित्यनाथ का एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। तोड़ा नोएडा का मिथक। विश्लेषकों के अनुसार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की जीत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सियासी कद को और बढ़ा दिया है। योगी ने यह भी मिथक तोड़ दिया कि जो मुख्यमंत्री नोएडा जाता है उसकी कुर्सी चली जाती है। कई बार नोएडा जाने के बावजूद वह उत्तर प्रदेश में लगातार पिछले 5 साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं और फिर से जीत हासिल कर इस मिथक को भी तोड़ दिया है। अमरनाथ यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अप्रैल से होगा शुरू। अमरनाथ यात्रा के लिए अप्रैल से तीर्थयात्रियों का ऑनलाइन पंजीकरण शुरू होगा। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने बृहस्पतिवार रात को यह घोषणा की। श्राइन बोर्ड ने अप्रैल से ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का पंजीकरण शुरू करने की घोषणा करते हुए कहा कि दक्षिण कश्मीर के हिमालय क्षेत्र के तीर्थ स्थल में यात्रियों की आवाजाही के लिए RFID आधारित ट्रैकिंग की जाएगी। रुड़की में 2 मुहा सांप के साथ 6 तस्कर गिरफ्तार, ऋषिकेश में चोरी का खुलासा। रुड़की में पुलिस ने वन्य जीवों की तस्करी करने वाले गिरोह के 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्करों के पास से दुर्लभ प्रजाति का एक 2 मुहा सांप भी बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। गढ़वाल मंडल में बीजेपी का दबदबा बरकरार, फिर बनेगी डबल इंजन की सरकार। ओवरऑल देखा जाए तो गढ़वाल मंडल में 2017 को चुनाव की तरह इस बार भी बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा। जाति और क्षेत्रीय समीकरणों के आधार पर बीजेपी बढ़त बनाने में कामयाब रही और गढ़वाल की 41 सीटों में से 29 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों ने जीत हासिल की, जबकि पिछले चुनाव में बीजेपी ने गढ़वाल मंडल से 34 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं इस बार कांग्रेस ने गढ़वाल मंडल में 8 सीटें हासिल की हैं, जबकि बसपा को 2 और 2 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। मोदी लहर में भी डूबी इन 3 दोस्तों की नैया, जाने कैसे 3 तिगाड़ा का काम बिगड़ा। उत्तराखंड में एक बार फिर से मोदी लहर देखने को मिली है। इस बार बीजेपी मिथक को तोड़ते हुए प्रदेश में शानदार वापसी की है। इसके बावजूद सीएम पुष्कर सिंह धामी सहित 3 दिग्गजों को चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा, जिसमें कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद और लक्सर विधायक संजय गुप्ता शामिल हैं। कांग्रेस के नेता ही फैसलों पर उठा रहे सवाल। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े नेताओं की हार हुई है। लाल कुआं सीट से कांग्रेस नेता हर्षावत को भी हार का सामना करना पड़ा। प्रदेश में कांग्रेस की हार के बाद अब नेताओं के बयान आने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस नेताओं ने हार के लिए हर्षावत के गलत फैसलों को जिम्मेदार बताया है। वहीं आप नेता अजय कोठियाल ने भी चुनावी नतीजों के बाद ट्वीट कर जनता का आभार प्रकट किया है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।